महानगर में लगे सोमवारी जाम से निजात दिलाने के लिए एसपी ट्रैफिक इंदु प्रभा सिंह ने मोर्चा संभाला, जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक इंदु प्रभा सिंह ने बताया कि महानगर में कई जगहों पर सड़कें खोदी गई हैं, जिससे सड़कों पर आवागमन बंद है, जिसकी वजह से शहर में जाम की स्थिति उत्पन्न हुई है। उन्होंने बताया कि सोमवार को शहर में ट्रैफिक ज़्यादा रहता है, जिसको खाली कराने के लिए जगह जगह पर ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है। उन्होंने कहा कि सड़क पर खड़े करने वाले वाहनों का चालान किया जा रहा है। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि सड़क के किनारे वाहन पार्किंग ना करें, नहीं तो चालान की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक इंदु प्रभा सिंह ने कहा,
अभी तो जो जाम की समस्या इसलिए क्योंकि जगह जगह सड़कें खुदी हुई हैं और इस वजह से कई रोड्स हमारी बंद है और ट्रैफिक जो है कुछ रोड्स पे ज़्यादा आ रहा है। आज सोमवार का दिन है, सोमवार के दिन वैसे भी ट्रैफिक ज़्यादा रहता है, यही कारण है कि आज जो है आपको हैवी ट्रैफिक विभिन्न रास्तों पर देखने को मिल रहा है। स्पेशली जो ये मेन चौराहे हैं शास्त्री चौक, जिससे कि फिर गाड़ियाँ बाहर निकलती हैं मेन रोड से। इधर अम्बेडकर नगर चौराहा जो है वो खुदा हुआ है एक तरफ से, उसकी वजह से भी शास्त्री चौक पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर हो रहा है। पूरी ट्रैफिक पुलिस और सिविल पुलिस दोनों मौजूद हैं और यातायात को नियंत्रित करके सुगम बनाने का प्रयास किया जा रहा है। रोड के किनारे मोटरसाइकिल खड़ी होती है, उनके लिए क्या कार्रवाई? देखिए, उनको लगातार हटाते रहते हैं, उसके बावजूद भी अगर अनाउंसमेंट करने पर कोई नहीं हटा रहा है तो उसका चालान की कार्रवाई लगातार चल रही है। गाड़ियाँ भी जो है ट्रेनों के द्वारा लिफ्ट करके यार्ड में लाया जा रहा है, उनसे हैवी चालान उछला जा रहा है। और मैं ये आग्रह करूँगी गोरखपुर के निवासियों से कि बेतरतीब वाहन पार्क ना करें, अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें और ट्रैफिक पुलिस का सहयोग कर गोरखपुर को एक सुव्यवस्थित यातायात प्रदान करने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद।